हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक नए शेयर से रिलेटेड जिससे रिलेटेड मैंने कभी आज तक बात नहीं करी। कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लगभग 9% ये शेयर भाग चुका है आज की डेट में, और आज मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स थे उन्हें मैंने यहाँ पर ये शेयर को सजेस्ट किया था नीचे के लेवल पे, और ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है ना, तो मैंने ये बता चुका हूँ, तो इसलिए मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर लेना नहीं है, अपनी खुद की स्टडी करना है। रीजन क्या है उसी से रिलेटेड मैं बातें करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, फंडामेंटल समझेंगे, फाइनेंशियल समझेंगे, चार्ट को समझेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीजों को सीखना है। सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोज डेली मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज बनाई जाती है, आप जाके देखेंगे इनके प्राइस तो आपको पता चलेगा कि शेयर अलग ही दुनिया में चलते हैं। है ना, शेयर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने बताया, इसलिए कि कंपनी यहाँ पर अच्छी है। ठीक है ना, और इसी तरीके की कंपनी आप भी चुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियोस में तो सीखने को मिलेगा ही, बट वीडियो में सारी बातें नहीं की जा सकती 8 से 10 मिनट में। इसलिए हमने एक कोर्स को डिजाइन किया जो कि 20 से 25 घंटे का कोर्स रहता है, डिपेंड ऑन यू कि यहाँ पर आप कितनी क्वेरीज मुझसे पूछते हो। 1-to-1 क्लासेस होती है, 8860540501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस कोर्स है जहाँ पर एक बार कोर्स किया तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस के बेस इस कोर्स के बेसिस पे जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तब आप अपने आप ही राजा बनते हुए नजर आओगे। यहाँ पर क्यों शेयर भागते हैं, क्यों शेयर गिरते हैं, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, वो पूरा आइडिया आपको यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा। 25,000 रुपये का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। और कोर्स के अलावा साथ में काम करना है तो भी इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके साथ में आप काम कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कंपनी करती क्या है, कंपनी के भागने के पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है ना, वो सब चीज़ से रिलेटेड मैं आगे चल के बात करूँगा। बात करें कंपनी की तो यहाँ पर देखिए, लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2001 आफ्टर द डीमर्जर ऑफ द टेलीकॉम डिवीजन ऑफ स्टरलाइट इंडस्ट्री। है ना, इन जुलाई 2006 एसटीएल एक्वायर्ड द ट्रांसमिशन लाइन बिजनेस ऑफ एसआईएल टू फॉरे इनटू द पावर ट्रांसमिशन केबल बिजनेस। एसटीएल हैज ग्रोन ओवर द ईयर ऑफ ईयर टू बिकम द लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर्स। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, उसे बिछाने में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और अच्छा खासा इनका मार्केट में एक नाम है, है ना, अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट इको लेबल, है ना, यहाँ पर ये कंपनी उसमें काम करती हुई नजर आती है। पोर्टफोलियो में जाओगे तो समझ में आएगा, ऑप्टिकल नेटवर्क में यहाँ पर इनके है, एज वेल एज यहाँ पर आप जाओगे ग्लोबल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। ओवरऑल बात करोगे तो कंपनी क्या है, अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है, टेली कम्युनिकेशन, क्लाउड कम्युनिकेशन, उस चीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, सब चीज़ यहाँ पर अच्छी नजर आती है। कुछ चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए बुलिश नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ इसमें पॉजिटिव हुई है, वो चीज़ इसकी बुलिशनेस की तरफ यहाँ पर इशारा करती है जो कि मैं डिस्कस करूँगा। मार्केट कैप की बात करें, 7,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। इसका मतलब क्या है स्मॉल कैप, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, तो हमारी एक्सपर्टीज स्मॉल कैप में है। दूसरी, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो जब शेयर चलता है तो पागलों की तरह चलता है, भागता हुआ नजर आता है। आप देखोगे कि शेयर कब से कब यहाँ पर भाग जाता है कि 1900 रुपये वाला शेयर सीधे 200-300 रुपये कुछ ही 1-8 साल के अंदर अंदर हो जाता है, और जब गिरता है तो वही 400 रुपये वाला शेयर आपका कब 100 रुपये पे आ जाता है आपको पता नहीं चलेगी। तो इसलिए सही टाइम पे बेचना और सही टाइम पे लेना वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और वो ही चीज हम यहाँ पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, और उसी के बेस पे यहाँ पर हमेशा वीडियो भी बनाते हैं। तो हमें सब्सक्राइब भी करिएगा, और कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स भी करिए, सीखिए भी, साथ में काम भी करिए। बात करें यहाँ पर पीई की तो इंडस्ट्री पी 48 का है, ठीक है। स्टॉक पी की बात करें, स्टॉक पी यहाँ पर दे नहीं रखा, क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया है कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर पी रेशो की बात करें तो इसका फॉर्मूला पी डिवाइड बाई ई है, और ई क्या है, ई इसमें नेगेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पर आप जाओगे तो ई क्या है, नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर पी नहीं दे रखा है, ठीक है, नेगेटिव में यहाँ पर लिखते नहीं है पी को। बात करें सेल्स की तो सेल्स नेगेटिव में है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 50% का है, हाँ ना, प्राइस टू बुक वैल्यू में बात करें तो ज़्यादा है नहीं, लगभग 3 गुना ही होता हुआ नजर आया है। डेट की बात करें
सारे कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, 167% का डेट है। फेस वैल्यू यहाँ पर देखे तो 2 की फेस वैल्यू है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती हुई नजर आती है, 179 का हाई लगाया है और 144 पे यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि अपसाइड डाउन हमेशा होते रहते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म का व्यू रखना नहीं है, ठीक है ना। बट मिड टर्म में यहाँ पर 1-2 साल 3 साल में कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है, नोबडी नोज, है ना। प्रोज यहाँ पर देने रखे, कौन सी यहाँ पर दे रखे है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि आपको अब यहाँ पता चलेगी। कंपनी की सेल्स की बात करें, सेल्स एवरेज रही है, कभी बड़ी है फिर दोबारा घटती हुई नजर आई है, एवरेज सेल्स है, ठीक है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, कंपनी यहाँ तक तो प्रॉफिट में रहती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। मार्जिन भी थोड़ा बहुत दिखा देती है, कभी ज्यादा कभी कम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बट हम बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि 167% का, मतलब क्या है, 3376 करोड़ रुपए का आसपास का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है, जिस वजह से कंपनी उसका इंटरेस्ट पे ही कर देती है। जब इंटरेस्ट इतना ज्यादा पे कर देगी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन में चीजें चली जाती है, तो यहाँ पर नेगेटिव में आ जाता है ना। तो वही चीजें यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट घाटे में ही मोस्टली शो करती हुई नजर आती है। तो ये सारा ओवरऑल चीज है ना, कंपनी यहाँ पर अभी अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद जस्ट बिकॉज ऑफ डेट में फंसी हुई है, इसलिए कंपनी काम नहीं कर पा रही। कंपनी को इसके लिए काम करना होगा, तब जाके यहाँ पर आगे निकलेगा। दूसरी बात करें कंपनी के सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। बट अगेन वही बात कि कंपनी यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है ना, और लगातार डेट लिया है, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक साल में कितना, 370 करोड़ रुपए के आसपास का डेट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी इस कंपनी को नेगेटिव की तरफ ले जा रही है। रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी के रिजल्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, साथ में डेट बढ़ रहा है। कंपनी के 62 करोड़ रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट 123 करोड़ का है। कैश की बात करें, 400 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है। बात करें डिविडेंड की, तो यहाँ पर डिविडेंड दे सकते हैं कि कंपनी डेट में है, ठीक है, नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रही है, बट फिर भी डिविडेंड दे रही है, ठीक है। कंपनी को पैसे बचाने चाहिए इसमें, ताकि कंपनी सबसे पहले डेट पे कर सके, डेट पे करेगी तो कंपनी का शेयर एप्रिशिएट होगा, कंपनी का शेयर एप्रिशिएट होगा तो ऑब्वियसली ये बात है, जो इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ करना चाहिए, बट ठीक है, जो भी है। बायबैक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, बायबैक भी किया था, मर्जर भी किया है, और बायबैक भी इसी प्राइस के आसपास किया है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बोनस 2010 में दिया था, उसी टाइम स्प्लिट भी यहाँ पर होता हुआ नजर आया था। कैश फ्लोज की बात करें, कैश फ्लोज पॉजिटिव यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि अच्छी बात है। बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास अभी 44% की होल्डिंग है। इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने शेयर को बेचा है, 53 से 44 पे लेके आया, लगभग 9%। बट पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि FIs लगातार इस शेयर पे बुलिश है, 4% से 7% कर दिया है। DIs इस शेयर पे बुलिश है, 1% से 2% से यहाँ पर 11% पे ले आए हैं। जब ये खरीद रहे, और DIs में नाम भी क्या है, DIs में नाम है HDFC का, DIs में नाम है यहाँ पर निपोन का, DIs में नाम है यहाँ पर बंधन फ्लेक्सी कैप का, है ना, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर होल्ड करती है। तो यहाँ पर हम बात करें कंपनी क्या है, अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर बड़े बड़े लोग बुलिश है, म्यूचुअल फंड बुलिश है, तो ऑब्वियसली बात है शेयर में जान तो आएगी आएगी। पब्लिक की बात करें, 36% है, ठीक है, 36 में भी कुछ लोगों के पास हिस्सेदारी होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रेड्स की, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी में बाइंग सेलिंग चलती रहती है। ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज ने यहाँ पर एक साल पहले, 1.5 साल पहले अच्छी खासी यहाँ पर शेयर खरीदे थे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक डील, यहाँ पर देख सकते हैं बल्क डील, बाइंग सेलिंग चलती रहती है, ट्रेडिंग होती रहती है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखें कंपनी का परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ डेट की वजह से अटका हुआ है, अदरवाइज कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रही है। बट शायद अभी एक न्यूज आई है, उस बेसिस पे ये शेयर आज की डेट में बड़ा भी है, और इसके साथ में 2 अलग शेयर और बड़े हैं। 2 अलग शेयर हमने ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है, और एक मेरे पोर्टफोलियो में भी है, जो कि अच्छा खासा भागा भी है आज। तो इसलिए मैं उन शेयर से रिलेटेड अभी बात नहीं करूंगा, बट मैंने यहाँ पर वीडियो उस शेयर से रिलेटेड बनाई है, जाके देखिएगा, यहाँ पर आप निकालोगे तो पता भी चलेगा। देखिए BBNL है ना, टेंडर बिड ओपनिंग पोस्टपोन टू 7 अगस्त, तो आज ही 7 अगस्त है, यहाँ पर ओपनिंग हुई है। किसके रिलेटेड, यहाँ पर देखिए भारत नेट, मतलब इंडिया, यहाँ पर पूरा का पूरे इंडिया को, ठीक है, टॉप टू टो की अगर हम बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी और सब जगह यहाँ पर ब्रॉडबैंड से यहाँ पर ब्लॉक करना चाहती है, ठीक है, पूरा इंटरनेट बिछाना चाहती है, और इसमें इस पर्टिकुलर कंपनी का एक मेजर रोल होता हुआ नजर आएगा। उसकी आज बिड हुई है लगभग 65,000 करोड़ रुपीस के आसपास की, उसमें ये भी कंपनी का नाम है, तो इस वजह से इस शेयर में क्या हुआ है, एक तेजी आती हुई दिखाई दी है। अब
ये चीज न्यूज पता चल गई, न्यूज के बेस में यहाँ पर भागा है, बट परफॉर्मेंस जैसे आएगी कंपनी का तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही भागेगा, और कुछ बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के चार्ट से रिलेटेड, चार्ट क्या कह रहे हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, नंबर को नोट करके कोर्स करना है, साथ में काम करना है, तो आपको चाहिए और समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर स्टरलाइट की बात करें तो यहाँ पर शेयर स्टेज वन में चल रहा है, स्टेज वन टू थ्री फोर होती क्या है वो हम अपने यहाँ पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखेंगे शेयर अभी आज की डेट में अच्छा खासा भागा है, स्टेज वन में चल रहा है और बहुत जल्दी शायद स्टेज टू में आता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर एक थ्री सी पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा जो कि लगभग लगभग 155 रुपए के आसपास होगा। जैसी होगा तो फिर धीरे धीरे करके ये 182, 190 और 230 और उसके बाद हम बात करें तो शायद 300 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कंपनी को और अच्छा परफॉर्मेंस अगर कंपनी देती है, कंपनी को कुछ बड़ा ऑर्डर मिलता है और अच्छा खासा अगले क्वार्टर से अच्छा खासा रिजल्ट पेश करती है, तो शायद ये कंपनी फिर 400 रुपए तक भी टच कर सकती है। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, कंपनी एकदम बेहतरीन है, बट कंपनी को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा तभी अचीव होगा, अदरवाइज भागेगा तो फिर क्या है, ऑपरेटर का ही गेम होगा, बाकी और कुछ नहीं। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है ना, अपने जितना हो सके सीखने के लिए वीडियोस है, कोर्स है, साथ में काम करिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।